हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ बालाजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है, कहाँ एंट्री ले, कहाँ एसएल रखे, एग्जिट क्या करे, ये सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आखिर तक देखेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम डोजी कैंडलस्टिक का यूज ज्यादातर बार हाई टाइम फ्रेम में करते हैं, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में डोजी कैंडलस्टिक का यूज करने से आपको कम बार ट्रैप करता है। यानी कम टाइम फ्रेम में अगर डोजी कैंडलस्टिक का यूज करोगे आप, तो आपको ज्यादा ट्रैप करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा कैंडलस्टिक बनता है डोजी कैंडलस्टिक। तो मार्केट अगर साइडवेज चला जाता है, तो साइडवेज में मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक बनता है, तो उसका कोई यूज नहीं हो सकता, यानी वहाँ आप ट्रैप हो सकती हो। तो आप हाई टाइम फ्रेम में जैसे 1 डे, 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप इसका यूज करते हो, तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिला दिखाई देगा। क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में अगर आप डोजी कैंडलस्टिक का यूज करते हो, तो आपको बड़े बड़े स्विंग पकड़ने मिलते हैं, यानी बड़े बड़े मोमेंटम मिल सकते हैं। तो हम स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनली ट्रेड लेते हैं, उस टाइम हम डोजी कैंडलस्टिक का काफी बार यूज करते हैं। तो मैं जैसे आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ एक दो बार। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लो, तो 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हूँ यहाँ। 1 डे के टाइम फ्रेम में यहाँ एक डोजी कैंडलस्टिक बनी थी। तो यहाँ नीचे से अपना ईएमए भी है 15 ईएमए, और एक सपोर्ट लेवल भी था नीचे से, यानी ये रेजिस्टेंस था पहले और बाद में सपोर्ट हो गया। तो ये सपोर्ट लेवल और ईएमए भी था, तो उसके ऊपर यहाँ इस लेवल पे एक डोजी कैंडलस्टिक बनी है 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो ऐसा यूज हम ऐसे जगह करते हैं, क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन मिलता है ना डोजी कैंडलस्टिक पर, तो हम काफी अच्छा मोमेंटम मिलने की चांसेस रहती है। जैसे अगर ये कैंडलस्टिक बनी है यहाँ डोजी कैंडलस्टिक, अगर उसका हाई ब्रेक होके अगर ये कैंडल क्लोज होती है, तो उसका हाई ब्रेक होके क्लोज होने के बाद हम आपके लिए एंट्री ले सकती है, और काफी अच्छा मोमेंटम आपके लिए मिल सकता है। तो 1:2 का प्लान कर सकते हो, एसएल ये भी रख सकते हो आराम से, इस कैंडल का लो का एसएल रख के आराम से एंट्री लेके आप होल्ड कर सकते हो पोजिशनली, या स्विंग ट्रेडिंग जैसे बड़े मोमेंटम आप पकड़ना चाहते हो, तो ये डोजी कैंडलस्टिक का यूज हाई टाइम फ्रेम में करना, क्योंकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखाई देगा डोजी कैंडलस्टिक। तो कम बनते हैं हाई टाइम फ्रेम में डोजी कैंडलस्टिक, और जो ऐसे 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कम ज्यादा बनते हैं, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखा चुका हो कि कैसे यूज करते हो, और एक दो बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ कहाँ भी डोजी कैंडलस्टिक बनती है, तो उसका यूज अच्छा नहीं होता है। डोजी कैंडलस्टिक का यूज जैसे करते हैं, तो ऊपर से रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ईएमए, ऐसा कुछ मल्टीपल कंफर्मेशन हो गए तभी करना है डोजी कैंडलस्टिक का यूज। यहाँ आपको दिखा दिया हूँ, तो आपको और एक बार दिखा देता हूँ डोजी कैंडलस्टिक का यूज बैंक निफ्टी में। तो सेकंड एग्जांपल देख लो, तो यहाँ एक डोजी कैंडलस्टिक बनी थी, लेकिन यहाँ एंट्री क्यों नहीं हुई, क्योंकि पहले का रेजिस्टेंस लेवल भी था, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ रेजिस्टेंस लेवल भी है, लेकिन यहाँ क्लोजिंग नहीं दे पाई इस कैंडल के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देनी चाहिए थी, तभी एंट्री लेनी थी, लेकिन यहाँ क्लोजिंग नहीं दे पाया और बुलिश कैंडल बन के निकल गया ऊपर मार्केट। यहाँ जा आके बाद यहाँ आने के बाद यहाँ मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक बना है, यहाँ ये पूरे डोजी कैंडलस्टिक बना है। देखिए इसका मतलब यह है कि मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बनाता है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल था और ऑल टाइम हाई लगाया बाद में, तो यहाँ मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक बनाया, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल यानी हायर हाई बना रहा था, यहाँ डोजी कैंडलस्टिक का लो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक कर पा रहा था, उसके बाद ये कैंडल का लो ब्रेक करके कैंडल क्लोज दी है। अगर यहाँ आप एंट्री लेते थे, तो डोजी कैंडलस्टिक का लो ब्रेक करके 1 डे के टाइम फ्रेम में एंट्री मिली थी आपको। तो अगर इस कैंडल में आप एंट्री लेते थे लास्ट में 3 बजने के बाद, तो आपको एसएल यहाँ रखेगा लगभग 500 पॉइंट का टारगेट, 1000 पॉइंट का आराम से हमारा टारगेट हिट हो गया ओनली 2 दिनों में। तो कैसे बड़े बड़े मोमेंटम मिल सकते हो, तो ऑप्शन में भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, या फ्यूचर में भी कर सकते हो। तो ऑप्शन में अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो काफी कम प्रीमियम लेना पड़ेगा, यानी 30-40 रुपए वाले प्रीमियम देके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, एक्सपायरी के अकॉर्डिंग देख के। अगर नजदीक एक्सपायरी है, तो अगली एक्सपायरी लेके 20-30 वाले प्रीमियम लेके आप होल्ड कर सकते हो, उसमें काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर 1000 पॉइंट का मूव आएगा आपके अकॉर्डिंग, 30 रुपए का प्रीमियम लगभग 100-150 रुपए जाएगा, तो आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, 1:3, 1:4 की आराम से आपका टारगेट मिल जाएगा। डोजी कैंडलस्टिक का यूज हम हाई टाइम फ्रेम में ज्यादा करते हैं। तो मैं आप इंट्राडे में कैसे यूज करते हैं ये दिखा देता हूँ डोजी का। तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे यूज करना है डोजी कैंडलस्टिक का बता देता हूँ। तो अगर मल्टीपल डोजी कैंडलस्टिक ऐसे बनते हैं, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट साइडवेज चला गया है। अगर ऐसा मार्केट साइडवेज चला जाएगा और उसके बाद ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, ऐसी
ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडल अगर बन रही है और उसका हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि उसके ऊपर बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, यहाँ अगर ऐसे साइडवेज चला गया मार्केट तो इसका ये लेवल का अपना ये लेवल का कॉल सेल कर देते हैं, ये लेवल का पुट सेल करते हैं। इस जोन में घूमता है तब तक उनको प्रॉफिट होता है, जब तक इस जोन के बाहर निकलता है तो ये लेवल वाले जो कॉल सेलर या पुट सेलर है तो वो डर जाते हैं। वो डरने के बाद उनके सेल हिट होने के बाद बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं, यानी ये लोग अगर भाग जाएंगे तो कॉल के लिए मोमेंटम अच्छा आएगा। यानी कॉल सेलर अगर अपने पोजीशन एग्जिट करेंगे कॉल सेलर तो आपको कॉल के लिए मोमेंटम अच्छा आएगा, अगर पुट सेलर आप उनके पोजीशन एग्जिट करेंगे तो पुट के लिए बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा मार्केट साइडवे चला गया है और ऐसी ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है, 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट कौन से भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले सकते हो, तो अगर बड़ी बड़ी बनी है तो बड़ा मोमेंटम आने की चांसेस रहते हैं। जैसे अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडलस्टिक बन गई होगी तो उसका हाई अगर ब्रेक होगा तो एंट्री ले लेना है, ऐसे लिए रख के तो 1:2 के लिए अच्छा सा मोमेंटम मिलता है और काफी तेजी से अपना प्रीमियम स्पाइक होता है, क्योंकि इनके एसएल हिट होने से बड़ा मोमेंटम आता है प्रीमियम में। और एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि ये वो काफी रियर सेटअप मिलता है, कभी कभार दिखता है मार्केट में। अगर ऐसा मार्केट साइडवेज है और नीचे से ईएमए जा रहा है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ऐसा मार्केट ये ईएमए जा रहा है, ऊपर कैंडलस्टिक बन रहे हैं मल्टीपल दोजी कैंडलस्टिक या साइडवेज चला गया मल्टीपल दोजी कैंडलस्टिक, यानी ऐसे ऐसे कैंडलस्टिक जैसे मैं दिखाया हूँ, यहाँ दिख रहे हो गया आपको, तो ऐसे कैंडलस्टिक मल्टीपल बन रहे। उसके बाद ईएमए अगर नीचे रहेगा और अच्छी सी ऐसी ग्रीन कैंडलस्टिक बनेगी, क्या आपको मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ एक ऐसी अच्छी सी कैंडल दिखा देता हूँ, तो यहाँ देख लो, या अगर ऐसी कैंडलस्टिक बनेगी ईएमए को टच करके, जैसे यहाँ अगर ऐसा टच करके कैंडलस्टिक बने वैसी जब थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ऐसी बड़ी कैंडलस्टिक अगर बनेगी ईएमए को टच करके और उसका हाई अगर ब्रेक होता है, जैसे अगर ऐसा मार्केट जा रहा है और ईएमए को टच करके एक बड़ी कैंडलस्टिक बनी है और साइडवेज मार्केट है पूरा दूजी कैंडलस्टिक बन रही है, या एक बड़ी कैंडलस्टिक बनी है तो इस ईएमए को अगर टच करके बनती है तो काफी अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं आपके लिए, तो ट्रेंड का यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए, जैसे मैं हर रिव्यू में बताता हूँ, अगर आप ट्रेंड में मार्केट है और साइडवेज चला गया है ऐसा, यहाँ मल्टीपल दोजी कैंडलस्टिक बनी है और ईएमए नीचे से और ऊपर एक ऐसी बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक बनेगी और उसका हाई अगर ब्रेक होगा तो आप एंट्री लेने में एंट्री ले सकते हो। एसएल यहाँ अपने ईएमए के नीचे का एसएल रखना और 1:2 के लिए प्लान कर देना, काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आपके लिए। अगर बाई चांस मार्केट अप ट्रेंड में है और ईएमए के नीचे मार्केट आ चुका है, 9:15 ईएमए या 50:20 ईएमए, कौन सा भी ईएमए यूज कर सकते हो, कौन सा भी टाइम फ्रेम में, अगर ईएमए के नीचे आया है और मल्टीपल दोजी कैंडलस्टिक बना रहा है और एक बिग बार बनाया रेड कैंडलस्टिक बड़ी और उसका लो ब्रेक होने के बाद अगर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करेगा, आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम होगी कि ये ट्रेंड नीचे आएगा, अपना टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। क्योंकि रीजन सिंपल सा है, क्योंकि मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए, यानी आपका रिवर्सल ट्रेड हो जाएगा ये, तो मार्केट अप ट्रेंड में है और आपको अप ट्रेंड में डाउन के लिए पुट के लिए प्लान करना है तो आप क्वांटिटी हाफ कर लेना। अगर रिवर्सल बड़ा अगर सच में रिवर्सल रहेगा तो बड़ा मोमेंटम काफी अच्छा आएगा और आपका आराम से टारगेट डबल ट्रिपल प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन बाई चांस ये ट्रेड अगर ट्रैप अगर रहेगा, ये ट्रेड का ट्रैप रहेगा तो आपका फालतू का लॉस हो जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखना कि ट्रेड के अपोजिट अगर आप ले रहे हो तो वो कम क्वांटिटी से ट्रेड लेना, क्योंकि वो ट्रेड में टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी काफी कम होती है। तो ट्रेड के साथ अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप काफी चांसेस है कि मार्केट वो टारगेट हिट कर दे। तो आपको समझ में आया होगा कि दोजी कैंडलस्टिक का यूज कैसे करते हैं, तो काफी ज्यादा दोजी कैंडलस्टिक का यूज हाई टाइम फ्रेम में या ग्रुप के ग्रुप में, अगर दोजी कैंडलस्टिक का ग्रुप बनता है उस टाइम, या काफी हाई टाइम फ्रेम यानी 1 डे 1 आवर या 15 मिनट या 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा, अगर पिछले वीडियो आप नहीं देखे हो तो वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।